नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के ऐलान के बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी को जगजोर कर रख दिया। कोई कंधे पर बच्चों को लादकर हाथों में बैग लिए पैदल ही चलता हुआ नजर आया तो कोई रिक्शे में भूखे प्यासे अपने परिवार को बिठाकर अपने घर की ओर पलायन करते हुए दिखा। जहां ऐसे हालातों में लोगों को समझाना या उनकी सहायता करनी चाहिए थी, मगर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने ऐसे में भी अपनी राजनीति चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खासकर दिल्ली से अन्य राज्यों की ओर पलायन करने वालों के साथ जो इन लोगों ने ओछी हरकत की वो भी आपने देखी होगी। यहां तक कि केजरीवाल सरकार पर ये आरोप तक लगाए गए कि उसने ही लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंटों पर कई ऐसे वीडियो पोस्ट डाले जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने किस तरह से लोगों को अपने घर जाने के लिए मजबूर किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी संख्या में यूपी और अन्य राज्यों के मजदूरों के पलायन करने की खबरों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है जिसने केजरीवाल को भी घुमा दिया है। दरअसल सोमवार को लिखी इस चिट्ठी में सीएम योगी ने केजरीवाल से कहा है कि वो अपने राज्य में लोगों की सुविधा के लिए कई बड़े फैसले ले रहे हैं। वही अन्य राज्यों के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत भी हुई है। प्रदेश में दिल्ली के लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सरकार ये उम्मीद करती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार यूपी के लोगों के लिए भी सभी संभव इंतजाम करेगी। सोमवार को अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार इस संकट से निपटने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई निर्णय लिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से हर एक शख्स को रोजमर्रा की जरूरत का सामान घर पर ही पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में बसे यूपी के लोगों की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। यही अधिकारी यूपी में रहने वाले दूसरे राज्यों के लोगों की भी सहायता कर रहे हैं। सीएम योगी ने केजरीवाल को दिल्ली के लिए तैनात दो अफसरों के फोन नंबर बताते हुए कहा कि यूपी सरकार से किसी भी तरह की सहायता के लिए इनसे संपर्क हो सकता है। योगी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि उत्तर प्रदेश में रह रहे दिल्ली से सभी लोगों की हर संभव मदद की जाएगी और उनकी सुविधा और स्वास्थ्य के लिए हर इंतजाम किए जाएंगे। सीएम योगी ने यह भी उम्मीद जताई है कि दिल्ली में रहने वाले यूपी के नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत जरूरतों के लिए दिल्ली सरकार हर संभव बंदोबस्त करेगी। सीएम योगी की यह चिट्ठी उस वक्त सामने आई है जब दिल्ली और एनसीआर के तमाम हिस्सों से यूपी के रहने वाले मजदूर पैदल और अन्य वाहनों से लॉकडाउन के बीच अपने घरों को लौट रहे हैं। एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों के जरिए यूपी के तमाम मजदूरों को प्रदेश की सीमा पर छोड़ दिया था, जिसके कारण दिल्ली से लगने वाले यूपी के बॉर्डर पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसके बाद केजरीवाल सरकार की नियत पर सवाल उठने लगे थे। यहां तक कि ट्विटर पर तो अरेस्ट के अरविंद केजरीवाल जमकर ट्रेंड हुआ। ऐसे में अब सीएम योगी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर ये बता दिया कि संकट की इस घड़ी में राजनीति से ऊपर उठकर देश की जनता की सेवा करने में ही भलाई है। देश और दुनिया के तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।